मेरे भी कैसे नसीब है, मेरी बहन आम खाना चाह रही है लेकिन मैं आम खरीद ही नहीं पा रही हूं। अरे छाया, क्या सोच रही है तू? अरे कुछ नहीं मैम साहब। अरे बोल बोल, शर्मा मत। वो मेरी बहन पिंकी है ना, उसे भी आम बहुत पसंद है। वो कह रही थी कि घर लौटते वक्त आम लेकर आना, मैं बस वही सोच रही थी। कहीं तुम यहाँ से आम चोरी करके ले जाने की तो नहीं सोच रही हो ना? अरे नहीं नहीं, चोरी नहीं, मैं तो खरीदने का सोच रही थी। एक काम कर, ये ले। नहीं नहीं रुक, ये ले, ये अपनी बहन को खिला देना। अरे ये खाने की तो तुम लोग की आदत नहीं होगी ना। एक मिनट, इसे लेके जा, ये आम के छिलके खिला देना तेरी बहन को, ये ले। अरे लक्ष्मी, ये छिलके से नीचे क्यों? अरे वो गलती से मुझसे गिर गए। छाया प्लीज साफ कर दे इसे। जी जी मैम साहब, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अच्छा कुछ आम छाया को भी दे देना, ठीक है? अब हाँ हाँ मैं दे दूंगी। ये भी ना बहुत दया आती है इन्हें। इन सड़े हुए आम को देखकर ही छाया आम खाना भूल जाएगी। अब ये लो छाया, तुम्हारे लिए आम। शुक्रिया। अब जी, अब मैं चलती हूँ। जाओ। और हाँ, आम तुम भी खाना और अपनी बहन को भी खिलाना, ठीक है? जी मैम साहब। रुको छाया। जी भैया। अब इन्हें क्या हुआ? ये थैली कमजोर लग रही है, मैं इन आम को दूसरी थैली में भरकर लाता हूँ। ला दे मुझे। कहीं इनको पता चल गया कि इस थैली में सारे आम सड़े हुए हैं तो? नहीं नहीं, अरे कहाँ थैली कमजोर है, मजबूती तो है, नहीं फटेगी ये। मैंने कहा ना फट जाएगी ये। हाँ तो मैं दूसरी थैली ले आती हूँ। छाया दे। अरे तू यही रह, मैं ले आता हूँ। ला छाया दे। ये लीजिए। लक्ष्मी तू तो कई काम से। ये लो छाया। अरे इन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? अब मैं चलती हूं। आपने बहुत अच्छा किया, थैली बदल दी। अब एक और अच्छा काम करना है। अब क्या? ये क्या किया आपने? तुझे शर्म नहीं आई एक गरीब के साथ ऐसा मजाक करते हुए? पर मैंने क्या किया? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जब तू छाया की थैली में सड़े हुए आम भर रही थी तब मैंने तुझे देख लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि थैली बदलने के बहाने मैंने पूरे आम ही बदल दिए। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी पत्नी कहते हुए, जिसमें दया नाम की कोई चीज ही नहीं।
तुझे बहुत घमंड है ना अपनी अमीरी का। चल एक काम कर, वो सड़े हुए आम तू खाकर दिखा। मैं वो सड़े हुए आम कैसे खा सकती हूँ? हाँ चल। नहीं नहीं, मैं वो सड़े हुए आम कैसे खा सकती हूँ? अच्छा, जब तू छाया की थैली में सड़े हुए आम रख रही थी तब तूने ये नहीं सोचा कि वो ये सड़े हुए आम कैसे खाएगी? मुझे शर्म आ रही है तेरी इस हरकत पर। मन तो करता है कि तेरी इस हरकत पर तुझे घर से बाहर निकाल दूं। जरा सोच कैसा लगता तुझे अगर कोई तेरे साथ ऐसा करता। अरे ये खाने की तो तुम लोग की आदत नहीं होगी ना। एक मिनट, इसे लेके जा, ये आम के छिलके खिला देना तेरी बहन को। ये ले। सुनिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने छाया के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे नीचा दिखाया, उस पर अपनी अमीरी का रूप झाड़ा, पर अब मुझे ये समझ आ गया है कि ये मेरी बेवकूफी थी। वो यहाँ पे काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नीचा दिखाऊं, अपनी मनमानी करूं। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हेलो छाया, वो ना तुम फिर से आ जाओ ना, एक काम रह गया है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ पर मैंने तो सारा काम कर लिया, फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? शायद ये आम वापस लेने के लिए बुला रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। लीजिए मेम साहब, मैंने आम रख दिए, अब मैं जाती हूँ। रुको छाया, अब ये नहीं लेके जाओगी? इतने सारे आम? हाँ, ये सारे आम तुम्हारे और पिंकी के लिए, और हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हें नीचा दिखाया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे मेम साहब, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, आप इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा तो फिर जल्दी से ये सारे आम तुम लेके जाओ। हाँ चलो, अच्छा हुआ लक्ष्मी ने अपनी गलती सुधारी ली।